प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे स्टाफ नर्स क्विज। पहला क्वेश्चन से जो आने वाली हर एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले वीडियो पूरा देखें, हम डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे। विच मैन्यूवर इज डन टू टेम्पररली स्टॉप इनएडवर्टेंट ब्लीडिंग ड्यूरिंग कॉलिसिस्टेक्टोमी। कॉलिसिस्टेक्टोमी के दरमियान जो ब्लीडिंग होता है उसको टेम्पररली स्टॉप करने के लिए हम कौन सा मैन्यूवर यूज़ करेंगे? ए प्रिंजल्स, बी पेटी, सी ब्लीरोथ, डी कोकर। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ है, अब आंसर कमेंट में कीजिए और अपना सेल्फ इवेल्यूशन करते रहिए। सही आंसर है उसमें प्रिंजल मैन्यूवर का हम यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं उसका कि प्रिंजल है क्या। तो प्रिंजल एक सर्जिकल टेक्निक है। क्या है? सर्जिकल टेक्निक है। और किसमें यूज़ होता है? सर्जिकल टेक्निक है और लीवर ट्रोमा और एब्डोमिनल ऑपरेशंस के अंदर ये सर्जिकल टेक्निक यूज़ की जाती है। उसमें क्या करते हैं कि जो हिपेटोड्यूओडेनल लिगामेंट होता है उसको क्लेम किया जाता है। किसको? हिपेटोड्यूओडेनल लिगामेंट को क्लेम किया जाता है और जो आर्टरी होती है उसको हिमोस्टेट कर दी जाती है, जिससे हिपेटिक आर्टरी और पोर्टल वेन से जो ब्लड आता है उसको लिमिट कर दिया जाता है और टेम्पररी लीवर में ब्लीडिंग का कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं कोकर मैन्यूवर। एक कोकर मैन्यूवर किसके लिए काम आता है? कि जो लेटरल पेरिटोनियल अटैचमेंट होता है डियोडिनम का, उसका डिसेक्शन के लिए हम कोकर्स मैन्यूवर का यूज़ करते हैं। कोकर मैन्यूवर किसका किसके लिए करते हैं? लेटरल पेरिटोनियल अटैचमेंट का डिसेक्शन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ब्लीरोथ क्या है? ब्लीरोथ भी एक सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन है। क्या ये ध्यान रखना, ब्लीरोथ वन ब्लीरोथ टू आता है उसमें, लेकिन ये क्या है? ये पार्शियली गैस्ट्रेक्टोमी के दरमियान सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है। क्या किया जाता है? सर्जिकल रिकन्स्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, उसमें क्या करते हैं? स्टमक और ड्यूओडेनल का जो पार्ट्स होता है प्रॉक्सिमल पार्ट, उस दोनों के बीच एनास्टोमोसिस की जाती है। चलो आगे देखते हैं हम। अ क्लाइंट विथ एड्स इज टेकिंग ए साइक्लोवीर, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट क्रिटिकल ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए साइक्लोवीर। पेशेंट्स क्या है? एड्स का पेशेंट्स है। ठीक है, और ए साइक्लोवीर वो ले रहा है, तो ए साइक्लोवीर देने के हम देते हैं तो क्रिटिकल इंटरवेंशंस क्या होगा हमारा? इनकरेज हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, यूटिलाइज एन इंसेंटिव स्पायरोमीटर टू इंप्रूव रेस्पिरेटरी फंक्शंस, लिमिट द क्लाइंट्स एक्टिविटी, इनकरेज फ्लूड। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब आंसर करें कमेंट में। ठीक है, तो सही आंसर है डी, इनकरेज फ्लूड। उसका देख लेते हैं ए साइक्लोवीर है क्या। तो ए साइक्लोवीर हम किसके अंदर यूज़ करते हैं? तो ए साइक्लोवीर हम चिकन पॉक्स के अंदर। ए साइक्लोवीर क्या है? एंटीवायरल है। ड्रग्स क्या है? एंटीवायरल। चिकन पॉक्स के लिए, चिकन पॉक्स में, सिंजल्स में, हर्पीस वायरस में हम ए साइक्लोवीर यूज़ करते हैं। ठीक है, और हर्पीस क्या होता है? न्यूबॉर्न में वाइडली स्प्रेड होने वाला डिजीज़ होता है। और ए साइक्लोवीर की हम साइड इफ़ेक्ट की चर्चा करें तो ए साइक्लोवीर की साइड इफ़ेक्ट क्या है? हेडेक, डायरिया हो सकता है पेशेंट को, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है, स्किन सेंसिटिव लाइट सनलाइट से सेंसिटिविटी हो जाती है, बर्निंग हो जाता है, कोई भी क्रीम लगाओ उस पर बर्निंग वो देखने को मिलता है, इची और ड्राई फ्लैकी स्किन देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब ये साइक्लोवीर के साइड इफ़ेक्ट है। चलो आगे देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लुइस पाश्चर्स, बेंटिंग एंड बेस्ट, रोनाल्ड रोज, डी रॉबर्ट कोक। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो सही आंसर दीजिए। तो सही आंसर है सी, रोनाल्ड रोज। ठीक है, तो अब देखते हैं उसमें कि रोनाल्ड रोज अब मलेरिया के बारे में हम देखते हैं कि मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है। तो फीमेल मॉस्किटो से, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो से ये ट्रांसमिट होता है। और मलेरिया के अंदर खास करके तीन साइकिल देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, गैमेटोसाइट्स
स्पोरोजोइट्स और मीरोजोइट्स, ये तीनों साइकिल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो कॉम्प्लेक्स साइकिल है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम। अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन, अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस कहाँ हेल्ड हुई थी, कहाँ हुई थी, कब हुई थी, 1978, 1974, 1977 और 1948। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब आंसर दीजिए और सेल्फ इवैल्यूएशंस कीजिए। तो सही आंसर है 1978 में अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। अल्मा आटा कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, तो 6 to 12 September, याद रखना है, 1978 में हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी, कजाकिस्तान में एक हेल्ड हुई थी, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। फॉर एवरी 1 Fahrenheit राइस टेम्परेचर द पल्स रेट इंक्रीज बाय 1 Fahrenheit टेम्परेचर बढ़ने से कितने पल्स बढ़ता है, 5 beats per minute, 15 beats per minute, 10 beats per minute के 20 beats per minute। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, कमेंट में आंसर लिखिए और अपना नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। तो सही आंसर है 10 beats per minute, 1 Fahrenheit टेम्परेचर बढ़ने से पल्स रेट बढ़ता है। और एस्पिरेशंस कितने बढ़ते हैं वो मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, लिटरेसी रेट, फैमिली साइज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, डी हाउसिंग। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो क्या आएगा उसमें, आंसर आएगा सी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर में आता नहीं है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या बताता है हमें, तो कंट्री का हेल्थ सिनारियो समझने के लिए हमें सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर को समझना ज़रूरी है। और उसमें क्या क्या आता है, एजुकेशन लिख लिया ना, ये भी बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, एजुकेशन, जेंडर्स, पोवर्टी, हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, एम्यूनिटी, ये सब एमेनिटीज़, ये सब सोशियो इकोनॉमिक हेल्थ इंडिकेटर है। आगे देखते हैं हम, करेक्टिव लेंस यूज इन मायोपिया, मायोपिया की कंडीशंस में कौन सा लेंस हम यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, सिंप्लेक्स लेंस, कॉम्पाउंड लेंस के कॉन्केव लेंस। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है अब, तो कौन सा आंसर आएगा, आंसर कीजिए। सही आंसर है डी, कॉन्केव लेंस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम, एस्टिगमेटिज्म की एक कंडीशन है एस्टिगमेटिज्म्स, तो उसमें कौन सा लेंस हम यूज़ करते हैं, तो स्पेरो, ये लिख लेना, स्पेरो सिलिंड्रिकल लेंस हम उसमें यूज़ करते हैं, मायोपिया में एक कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं, और हाइपरओपिया में एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, हाइपरओपिया में, किसमें, हाइपरओपिया, ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन इन केस ऑफ ट्विंस इज बोथ वर्टेक्स, वन वर्टेक्स एंड वन ब्रिज, ट्रांसवर्स कडी, बोथ ब्रिज। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे, वीडियो पूरा देखें। सही आंसर है बोथ वर्टेक्स, ठीक है, ओके, चलो आगे देखते हैं। मैकडोनल्ड फ्यूचरिंग इज डन इज सेप्टिक एबोर्शंस, रिकरेंट एबोर्शंस, कंप्लीट एबोर्शंस के मिस्ड एबोर्शंस। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब सही आंसर दीजिए। तो सही आंसर है बी, रिकरंट एबोर्शन। देखिए मैकडोनल्ड सुचरिंग कब लेते हैं हम, तो ये लिख लेना, 16 वीक से 18 वीक की प्रेगनेंसी के दरमियान हम मैकडोनल्ड सुचरिंग करते हैं, और रिमूव कब करते हैं, 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के दरमियान हम रिमूव करते हैं। और इस प्रोसीजर को ऑस्ट्रेलियन गायनेकोलॉजिस्ट है का ये मैकडोनल्ड, इसलिए इस सुचरिंग को मैकडोनल्ड नाम से जाना जाता है, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एसोसिएटिव प्ले, अ चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व इन द आइडेंटिकल एक्टिविटी, अ चिल्ड्रंस बोरो एंड लैंड प्ले आर्टिकल्स, सी मुचुअल गोल इज सेट, नो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल्स रिगार्डिंग दैट लिमिट
ऑफ प्लेसेशन, तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब सही आंसर दीजिए और हम डिस्क्रिप्शंस के साथ ये देखेंगे, ठीक है। तो सही आंसर है सी, म्यूचुअल गोल इज सेट। देखो एसोसिएटिव प्ले क्या होता है, एसोसिएटिव प्ले बच्चे का डेवलपमेंट के लिए एक बेसिक फंडामेंटल स्टेज है जिसमें बच्चा सोशल स्किल सीखता है, ठीक है, ये सुन लेना खास, सोशल स्किल सीखता है और अपने पीयर्स के साथ जो अपने जैसे बच्चे होते हैं उनके साथ वो इंटरेक्ट करता है, ठीक है। और 3 साल के बच्चे में एसोसिएटिव प्ले लेकिन टॉडलर में देखने को ये मिलता है और ये बच्चे को गोल म्यूचुअल गोल सेट होता नहीं है, ठीक है, एसोसिएटिव प्ले के अंदर। और एसोसिएटिव प्ले की हम कैरेक्टरिस्टिक देखें तो क्या करता है कि किड्स के साथ कोऑपरेशन करता है, ठीक है, और ब्रेन डेवलपमेंट के लिए आशीष करता है, ब्रेन डेवलपमेंट भी उसमें होता है, बच्चे का सोशल इमोशनल होता है और जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट को बच्चा रिजोल्यूशंस करता है इन ग्रुप में शेयर करके, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसोसिएटिव प्ले की थी, ठीक। चलो हम आगे देखते हैं। नर्स वर्किंग इन ऑपरेशन थिएटर मस्ट नो द रिस्क ऑफ HIV इन्फेक्शन विद नीडल स्टिक इंजुरी इज अबाउट, कि ऑपरेशन थिएटर में नर्स काम कर रही है और नीडल स्टिक इंजुरी HIV इन्फेक्शन का कितना रिस्क है, 1:100, 1:200, 1:300, 1:400। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब सही आंसर दीजिए और इवैल्यूएशन करके मुझे कमेंट में बताइए जिससे मुझे पता चले इसका सही आंसर है 1:300 सही आंसर है। चलो आगे देखते हैं। सिस्टम इन विच इस पेशेंट इज असाइन टू अ नर्स हु हैज 24-hour रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर नर्सिंग केयर डिलीवर टू द पेशेंट इज टर्म्स, प्राइमरी नर्सिंग, फंक्शनल नर्सिंग, मॉड्यूलर नर्सिंग, की टीम नर्सिंग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना है नॉर्सेट 5 में। चलो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है तो सही आंसर दीजिए। तो सही आंसर है ए, प्राइमरी नर्सिंग। तो उसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। तो प्राइमरी नर्सिंग में प्राइमरी नर्स क्या काम करती है, देख दो, प्राइमरी नर्स या INT क्वेश्चन से, तो प्राइमरी नर्स 24 आवर्स पेशेंट्स केयर के लिए जवाबदार होती है, ठीक है। और वो क्या खास करती है कि जो प्राइमरी रजिस्टर्स नर्स होती है वो पेशेंट्स का फिजिकल और इमोशनल जो रिस्पॉन्स होता है उसकी नीड कम्प्लीट करती है, उसके साथ उनका फैमिली मेम्बर्स की नीड्स भी पूरी करती है और जो केस मैनेजमेंट, सिम्टोम्स मैनेजमेंट और क्राइसिस सिचुएशंस में भी प्रॉब्लम सॉल्व करती है, कौन करती है, प्राइमरी नर्स करती है। और प्राइमरी नर्स और पेशेंट के साथ साथ कौन जुड़ा रहता है, एसोसिएटिव नर्स मॉर्निंग शिफ्ट में, एसोसिएटिव नर्स आफ्टरनून शिफ्ट में, एसोसिएटिव नर्स नाइट शिफ्ट में, और उसके साथ हेड नर्स, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम और ऑर्गेनाइज रिसोर्सेज भी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। और मॉड्यूलर नर्सिंग क्या है, कि मॉड्यूलर नर्सिंग मॉडिफिकेशंस ऑफ टीम नर्सिंग है, क्या है, मॉडिफिकेशंस ऑफ टीम नर्सिंग है, उसमें पेशेंट का जियोग्राफिकल लोकेशंस पे फोकस करके पेशेंट्स को आउटकम बेटर लाने के लिए ये मॉड्यूलर नर्सिंग बहुत ही काम आता है, ठीक है। और टीम नर्सिंग में क्या होता है, टीम नर्सिंग एक मॉडल है जिसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि नर्स, डॉक्टर्स, अदर हेल्थ डिपार्टमेंट्स के सभी मिल के पेशेंट्स को आउटकम अच्छे लाने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। और फंक्शनल नर्सिंग भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो भी एक नर्सिंग का मॉडल है जिसमें एफिशिएंसी पे फोकस करके मैनी टास्क शॉर्ट टाइम के लिए दी जाते हैं और वो टास्क ओरिएंटेड होता है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रेस्पिरेशन विच इज एबनॉर्मली शेलो फॉर 2 or 3 ब्रीथ फॉलो बाई इरेगुलर पीरियड ऑफ एपनिया इज टर्म एज, कुसुमेल रेस्पिरेशंस, बायर्स रेस्पिरेशंस, हाइपोवेंटिलेशंस, सी काइनीस्टॉक रेस्पिरेशंस। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, अब सही आंसर दीजिए और अपना इवोल्यूशंस खुद करें, ठीक है। तो सही आंसर है डी, काइनीस्टॉक रेस्पिरेशंस। चलो डिस्क्रिप्शंस देख लेते हैं। कुसुमेल ब्रीदिंग कैसा होता है, वो डीप रैपिड एंड लेबर ब्रीदिंग देखने को मिलता है, किसमें, कुसुमियल ब्रीदिंग के अंदर देखने को मिलता है। और ख़ास करके उसके एग्जांपल पूछे जाते हैं तो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में, ये लिख लेना, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में ये कुसुमियल ब्रीदिंग देखने को मिलता है और डायबिटीज़ का सीरियस कॉम्प्लिकेशन से वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, ठीक है। अब देखते हैं बायर्स रेस्पिरेशंस, उसमें क्या होता है कि ये सेंटेंस याद रखना, इरेगुलर
इरेगुलर पीरियड में एपनिया देखने को मिलता है बर्ड्स रेस्पिरेशंस के अंदर, ठीक है, और रेट और डेप्थ कंसिस्टेंट रहते हैं उसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट अकर व्हेन द वैक्सीनेशन ऑफ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अनप्रोटेक्टेड इंडिविजुअल्स इज ए पैसिव इम्यूनिटी, बी हर्ड इम्यूनिटी, सी कॉन्टैक्ट इम्यूनिटी, डी एक्टिव इम्यूनिटी। तो टाइम स्टार्ट हुआ है अब, तो सही आंसर दीजिए। कोविड में हमने सब ये देखा हुआ है, तो सही आंसर है बी हर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। चलो इम्यूनिटी के बारे में देख लेते हैं। इम्यूनिटी हम किसके कहते हैं, तो रोग प्रतिकारक शक्ति हम उसको बोलते हैं। फॉरेन पार्टिकल जैसे हमारे बॉडी के अंदर आता है तो बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है कि हमारी खुद की इम्यूनिटी सिस्टम होती है और पैथोजेंस से हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि इम्यूनिटी अदर्स दूसरों के पास से हम लेते हैं और वो पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इम्यूनिटी के अंदर हम टाइप्स देख लेते हैं, एक बार रिवीजन हो जाए आपका। तो इम्यूनिटी में क्या होता है, एक एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है और दूसरी इनेट इम्यूनिटी होती है। क्या है, इनेट और नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। एडेप्टिव में नेचुरल और आर्टिफिशियल देखते हैं हम, आर्टिफिशियल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल में एक्टिव और पैसिव, ये एग्जांपल याद रखना है, एक्टिव और पैसिव। नेचुरल में क्या होता है कि पैसिव, नेचुरल पैसिव हम कहते हैं किसको कहते हैं, जो मटर्नल टू बेबी में ट्रांसफ़र होता है, और एक्टिव इन्फेक्शन से, याद रखना है, इन्फेक्शन से एक्टिव, ठीक है। और आर्टिफिशियल में क्या होता है, आर्टिफिशियल्स के अंदर पैसिव में हम एंटीबॉडी ट्रांसफ़र करते हैं और आर्टिफिशियल एक्टिव में इम्यूनाइजेशन देते हैं, वो इसमें आता है, ठीक है। और हर्ड इम्यूनिटी को हम दूसरे कम्युनिटी इम्यूनिटी से नाम से भी जानते हैं कि जो लार्ज पोर्शंस और पॉपुलेशंस होता है उनकी सब इम्यूनाइज हो जाते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम। कॉर्पस सर्विक्स रेशियो अप टू 10 ईयर ऑफ एज 3:2, 2:1, 1:2, 3:1। तो आपका आंसर, आप आंसर कीजिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। तो सही आंसर है बी 2:1, ठीक है। तो उसका हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन। देखिए नियोटिल में यूट्रस की लेंथ कितनी होती है, लिख लो, 3.5 सेंटीमीटर यूट्राइन लेंथ होती है और यूट्राइन बॉडी रेशियो 2:1 होता है नियोनेट का, ठीक है। और पीडियाट्रिक्स में कितना होती है यूट्रस की लेंथ, ये यूट्रस की लेंथ है और ये यूट्राइन सर्विक्स रेशियो, ठीक है, 1:3 सेंटीमीटर का 1:1 रेशियो होता है पीडियाट्रिक में। प्री प्यूबर्टल में कितने होती है, 3 to 4.5 लेंथ होती है और 1:1.5 to 1:1 रेशियो होता है, ठीक है, यूट्रस और कॉर्पस का रेशियो होता है। रिप्रोडक्टिव में यूट्रस की लेंथ होती है 8 to 9 सेंटीमीटर और रेशियो 2:1 हो जाता है। और मेनोपोज में 3.5 to 7.5 और रेशियो कितना हो जाता है, 1:1.5 to 1:1 इज इक्वल 1:1 हो जाता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे देखते हैं। इंडियन नर्सिंग काउंसिल वॉज इस्टेब्लिश इन 1956, 1970, 1960, 1947। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, आंसर कमेंट में कीजिए। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 1947 में इंडियन नर्सिंग काउंसिल की स्थापना हुई थी। द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, एंटेमोलॉजी और जीनियोलॉजी। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है अब, सही आंसर दीजिए। तो आपका सही आंसर है बी एपिडेमियोलॉजी। आगे देखते हैं। इन फॉलोइंग विच द हाइएस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विस, एंटीरियर पोस्टीरियर, लेटरल, ऑब्लिक, ऑल आर इक्वल। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है अब, सही आंसर दीजिए। तो आपका सही आंसर है ए एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर। और मेरी चैनल, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। द थेरापेटिक इफेक्टिव सीरम लिथियम कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज मॉनिटर ये 24 to 28 hours, बी 10 to 10 days, सी 2-5 days, 12 to 24 hours। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। लिथियम का एक क्वेश्चन 100% आता है, ठीक है। चलो सही आंसर है ऑप्शन डी, 12 to 24 hours में हमें लिथियम कॉन्सेंट्रेशन मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है।
आज का था वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। कल मिलते हैं एक नई क्विज के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।